टेम्परेचर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 37 to 40 degrees शायद से होगा, और यहाँ पर बैठ बैठ के जो है इतना पसीना निकल रहा है, और ये जो है हमारे गार्डनर काम करे ही जा रहे हैं। गाइस ट्रस्ट मी, यहाँ का गर्मी ना इतना गंदा है, टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 37 to 38 degrees जो है गर्मी जो है, आप देख सकते हो कितना गर्मी मुझे निकल रहा है, कितना गर्मी जो है मुझे हो रहा है। और 10 बार आप पानी पियोगे, जितने बार भी आप कोशिश करोगे कि मैं पानी पीऊँ, अपने आप को हाइड्रेट रखूँ, बट एंड ऑफ द डे आपको जो है वो डिहाइड्रेशन हो ही जाएगा और बॉडी में पानी की कमी आपको ना कहीं फील होगा ही। तो कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप जो है ORS वगैरह या नमक चीनी का जो घोल है वो पीते रहिए, खुद को हाइड्रेट करते रहिए और वीडियो जो है शूट वो करते रहिए। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, जैसे कि बारिश का महीना आ रहा है, गर्मी का मौसम जो है वो खत्म होने वाला है, तो मुझे भी मेरे गार्डन को एक अच्छा सा लुक देना होगा, पूरे गार्डन को जो है वो क्लीन करना होगा, एकदम अप टू डेट, अप टू द मार्क, ताकि घास जो है पूरी तरह कटाई हो जाए, क्योंकि काफ़ी जो है जंगल हो चुका था। फिलहाल अभी चलते हैं बाहर, क्योंकि मैंने मेरे गार्डनर को मैंने बुला लिया है, वो आएगा, क्लीन अप करेंगे, तो थोड़ा सा हम बाहर जाके देखते हैं कि वो काम कैसे कर रहा है। तो चलो चलो चलते हैं बाहर। तो फाइनली जो है हमारा गार्डन सफाई का जो है काम चालू हो गया है, अब देखते हैं कि कब तक ये पूरा क्लीन हो। प्लानिंग ये है फिलहाल तो जो है हम पहले यहाँ का जो है क्लीन कराएंगे, बाद में जो है यहाँ का जो है यहाँ सब हम क्लीन करा लेंगे, ताकि जो कपड़ा सुखाने का जो तार है वो हम जो है लगा सकें, क्योंकि आप देख सकते हो जो तार है वहाँ से गिर गया है, तो इसे जो है अभी यहाँ पर इस झाड़ पर हम लगा देंगे। टेम्परेचर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 37 to 40 degrees शायद से होगा, और यहाँ पर बैठ बैठ के जो है इतना पसीना निकल रहा है, और ये जो है हमारे गार्डनर काम करे ही जा रहे हैं। तो शाम के बज रहे हैं 4:30, पहला दिन जो है हमारा इतना कटाई जो है हुआ है, थोड़ा बहुत जो है वहाँ का काम बाकी रह गया है, फिलहाल तो स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, और देखते हैं कि ये कब तक हम लोगों का गार्डन जो है कंप्लीट हो जाए। कचरे वगैरह जो है अभी भी पड़े हुए हैं, तो कल ही जो है इसे साफ़ सफाई किया जाएगा, अभी भी जो है थोड़ा बहुत वहाँ पर जो है कचरे पड़े हुए हैं, पूरा क्लीन जो है वो कल परसों में हो जाएगा। तो गाइस, हमारे देश में जो है कोरोना के जो केसेस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और डेली जब आप न्यूज़ खोलते हो तो ना न्यूज़ में ना और कुछ रहता ही नहीं है, खाली यही जो चीज़ चलता रहता है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है ना, जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं, जैसे मतलब पब्लिक प्रॉब्लम्स जो है फेस कर रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि ये जो है जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। हम लोग को ही जो है अपना प्रिकॉशंस खुद को रखना है, माइट भी ऐसे भी हो सकता है कुछ दिनों में ऑफिस वगैरह खुल जाए, ट्रेन वगैरह चालू हो जाए, तो अगर आप ऑफिस जाने वाले बंदे हैं जो रेगुलरली ट्रेन बस वगैरह में ट्रैवल करते हो, तो सबसे बेस्ट है फेस मास्क, उसके अलावा PPI किट अगर अवेलेबल है मार्केट में तो वो लेके, वो पहन के खुद का सेफ्टी रख के ही ऑफिस हमको जाना पड़ेगा। तो प्रिकॉशंस जो है आप लेते रहिए, अब डरिए नहीं इससे, अभी आप हम लोगों को सबको यही सोचना है ना कि इसको लेके जो है हमें चलना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि सतर्क रहिए और जितना हो सके सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखिए, हाइजीन का ख्याल रखिए, बार बार जो है वो हाथ धोइए, अनवांटेड चीज़ों को छूइए मत, इस किस्म से आप रखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं
ये जो प्रॉब्लम है इससे हम बाहर आ जाएंगे और कोरोना वायरस जो है आपको कभी छुएगा भी नहीं। The next day. गाइस सुबह के बज रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 7:45 क्योंकि 15 मिनट्स आगे है और डे 2 है, गार्डन का काम जो है अभी भी चल रहा है। तो फिलहाल हम चलते हैं बाहर क्योंकि बंगाल में लेबर्स लोग जो है सुबह सुबह ही जल्दी जल्दी काम करना शुरू करते हैं। यूजुअली साल में 3 से 4 बार जो है हमें क्लीन वगैरह कराना पड़ता है और गार्डन को जो है हमेशा क्लीन रखना चाहिए क्योंकि क्लीन अगर रखोगे तो यूजुअली यहाँ पर ऐसे होता है ना कि सांप वगैरह का जो ज़्यादा थोड़ा टेंशन होता है, तो इसलिए जो है हमको ये क्लीन रखना पड़ता है। तो फिलहाल अभी देखते हैं कितना जल्दी ये काम ख़त्म हो और कितना जल्दी गार्डन जो है अप टू द मार्क हो जाए। फाइनली जो है हमारा गार्डन जो आप देख सकते हो पूरा क्लीन हो गया है, खाली पत्ते वगैरह पड़े हैं ये सब जो है ये आप देख सकते हो, ये सबको खाली अभी जलाना है। थोड़ा सा पत्ता सूख जाएगा, बारिश की वजह से पत्ता गीला है तो हम लोग इसे जला देंगे। ये देखिए गार्डन जो है अभी पूरी तरह जो है वो क्लीन हो गया। खर्चे की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली जो है मुझे 1500 रुपये जो है खर्चे पड़ गए और कुछ नहीं कर सकते, ऐसे गार्डन घर में अगर रहेंगे तो मेंटेनेंस जो है वो तो करना पड़ता ही है ताकि गार्डन जो है आपका सुंदर रहे, अच्छा रहे। और क्लीन अगर रखते हैं ना तो फल फ्रूट्स वगैरह जो भी यहाँ पर होते हैं वो काफ़ी अच्छा होता है और साफ आपको भी टेंशन रहता है, इस वजह से जो है क्लीन रखना चाहिए। तो हम लोगों ने जो भी है क्लीन करा लिया। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, मैं भी फ्रेश हो लेता हूँ और आप लोगों से बाद में बात करता हूँ। फिलहाल जो है पत्ते जलाने का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है, फिलहाल यहाँ लगा दिया है, अब सोच रहा हूँ कि जो है मैं वहाँ पर जला दूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि भगवान ने जो है ना पूरा डिसाइड कर लिया ना अपना पूरा ले डालने का। नहीं तो आप देखोगे ना, अगर आप न्यूज़ वगैरह देख रहे हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप कंटिन्यूसली अगर देखते हो ना, तो आपको ऐसे कई सारे न्यूज़ वगैरह दिखेंगे ना जहाँ पर हर कोई खाली टपक ही रहा, हर कोई जो है जा ही रहा। और काफ़ी सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं, कुछ दिनों पहले आपने वो देखा रहेगा कि जहाँ पर रेसिज्म को लेकर वो क्या ब्लैक फ्लॉयड मैक फ्लॉयड क्या वो बंदे का नाम था मुझे भी इतना अच्छी तरह से पता नहीं, उसका डेथ होता है, पुलिस जो है पकड़ने जा रही थी या क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं, बट वो जो इशू है ना पूरा ब्लैक कम्युनिटी ने उसको पूरा उठा लिया और पूरे वर्ल्ड में अभी आप देखोगे कि मैक्सिमम वर्ल्ड के बहुत सारे कोने में ना ये चीज़ को लेके प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है। और अब कोई कोई प्रोटेस्ट में आप ऐसे देखोगे ना कि इतना भीड़ है प्रोटेस्ट में, तो तभी ऐसा लगता है ना कि ये लोग ये चीज़ को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों ने एक बार ये तक नहीं सोचा, इतना भीड़ कर रहे हैं ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कुछ भी नहीं है, इन्होंने एक बार सोचा भी नहीं कि ये चीज़ करके कितना जो है वो कोरोना फैल सकता है। एक जन चलो ठीक है वो चला गया, उसके चक्कर में आप लोग अगर इस किस्म का काम करो तो कितने लोग और जाएंगे, ये चीज़ सोचना चाहिए। तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कभी भी इस किस्म का चीज़ कभी भी किधर भी अगर होता है तो आप लोग ना भीड़ मत बनाइए, ना ही उस चीज़ को लेकर ज़्यादा तोल वगैरह जिसे हम कहते हैं देना, और गर्दी तो मत करो यार, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज़ जो कोरोना है ना इसमें हमको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है।
अपने आप को जितना हो सके सबसे दूर रखना है, तभी हम बचेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। सो गाइस, गार्डन जो है हमारा एकदम A1 हो गया है, एक नंबर गार्डन हो गया है पूरा। जो है मैंने घास वगैरह जितने भी श्रब्स वगैरह थे मैंने सब निकाल दिए, एकदम क्लीन हो गया, एकदम फुटबॉल ग्राउंड की तरह। सो गाइस, काफ़ी मेहनत हुआ, 2 दिन लग गए उसे करने में, और कहीं ना कहीं हमारा भी योगदान था। जहाँ पर हम वॉच कर रहे थे, देख रहे थे कि कैसे कटिंग करवाना है, कहाँ कटिंग करवाना है, क्या चीज़ को सेट करना है, क्योंकि तूफान के बाद से काफ़ी सारे जो है झाड़ वगैरह नष्ट हो गए, तो उसे भी हम लोगों ने सेट वगैरह कर लिया। तो दिन अच्छा ही गुजरा, डिहाइड्रेशन हो गया, पर कुछ नहीं कर सकते, काम जब करना है तो मेहनत तो आपको देना ही है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर यहाँ तक देख लिया है तो लाइक का जो बटन है ज़रूर दबा दीजिए, प्लस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर नए हो तो एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नीचे उसे दबा दीजिए, उसके पास में एक बेल आइकन है उसे भी बजा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो ऑन दैट नोट, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक केयर। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज ट्रेंड सेटर रणबीर।